आमिर की गर्लफ्रेंड तुषे है और आमिर चाहता है कि तुषे को अपनी फैमिली से मिलाए। हालांकि उसकी फैमिली गांव में है, पर उसके लिए अलग एक्टर्स चाहिए होंगे, इसलिए यिल्दिज़ की फैमिली को ही अपनी फैमिली जैसा समझकर उनके पास ले आता है आमिर। तुषे पूछती है आलिया कहाँ है। यिल्दिज़ कहती है वो कभी हमारी टीम में होती थी, कभी दुश्मन बन जाती थी। आमिर कहता है बेसिकली हमारी असली टीम यही है, पर आसमा तुषे को अजीब नज़र से देख रही है, यानी वो जूलिया की असिस्टेंट है, इसलिए डरावने सवाल करती है जैसे किसके साइड हो तुम वगैरह। ये लोग बात टालने की पूरी कोशिश करते हैं। आयशा कुछ रोल टाइप लाती है जो सब खाने लगते हैं, पर यिल्दिज़ ज़ैनब का मजाक उड़ाती है कि तुम्हें देख के लग रहा है तुम बांसुरी बजा रही हो, नॉर्मली खाओ ना। आई एम श्योर ये वाली डायलॉग यिल्दिज़ ने खुद से कहा है, क्योंकि ज़ैनब की हंसी रुक ही नहीं रही थी। तुषे को ऐवे ही जूलिया के सवाल पूछे जा रहे थे, कुछ खास नहीं होता सिवाय यिल्दिज़ के अजीब जोक्स के। डोगन फिर से जूलिया के घर जाता है रात को। आई गेस आज उसको नाजायज रिश्ता निभाना नहीं है, क्योंकि वो सीधा कहता है कि यिल्दिज़ मानना नहीं चाहती है कि हम दोस्त हैं। जूलिया कहती है तो ना ही मानने दो। डोगन कहते हैं नहीं जूलिया, ऐसे नहीं चलेगा, हमारा रिश्ता जायज़ नहीं है। यिल्दिज़ मेरे बच्चे की अम्मी है, उससे मैं फिर शादी करना चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, पर मेरा तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल अलग है इससे। ओ माय गॉड, मुंह पे बोल दिया जूलिया के कि तुम मेरे लिए टाइम पास हो, प्यार नहीं। जूलिया कहती है इतनी बार याद दिला रहे हो, इस बात को तो बता ही दो क्या चाहिए। टोगन कहते हैं कि तुम यिल्दिज़ को यकीन दिलाओ कि हम सिर्फ दोस्त हैं, उससे बात करो। जूलिया पूछती है तुमने उसे बताया नहीं कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। टोगन कहते हैं बताया पर वो नहीं मान रही। जूलिया कहती है कि मुझे नहीं पता तुमने कैसे एक ऐसी इनसिक्योर लड़की को ढूंढ लिया। हाँ, एज इन कि तुमने कैसे एक लॉयल लड़की को ढूंढ लिया जिसे लॉयल हस्बैंड चाहिए, ठीक से धोखा भी नहीं देने देती तुम्हें। कहती है पता है तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो तुम्हें अपने पीछे भगाती है। जाओ शादी कर लो, पर फिर इधर ही आना है तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो अच्छी लड़की है पर क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी। यानी जूलिया कहना चाहती है कि लड़की में क्वालिटी, अगर वो रखेल बनने के लिए तैयार हो, यानी आदमी कहीं पे भी अफेयर रखे तुम सहन कर लो। रोगन कहता है जूलिया अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम प्लीज़ मेरे फीलिंग्स के खातिर जो मैंने कहा वो करोगी। जूलिया कहती है सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें, कर लूँगी जो कह रहे हो। ये है जूलिया की क्वालिटी, ना चाहते हुए भी अपने लवर की हेल्प करनी पड़ रही है उसकी शादी कराने के लिए। इधर हानदान और आलिया हाथ मिला के कुंवर से सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। कुंवर वही बोलता है जो सलीम और कोमल में हुआ। हानदान बोलती है कि और क्या बात है, सच सच बताओ। कुंवर कहते हैं कि हाँ, कोमल को सलीम की अम्मी पसंद नहीं करती। हानदान कहती है रुको, उसे भी सबक सिखाऊंगी। आलिया कहती है हानदान प्लीज़ थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब होगा। दोनों सोचते हैं कि सबसे पहले सलीम के हॉस्पिटल पर अटैक करेंगे। इधर जूलिया को एंग्जाइटी होती है यिल्दिज़ से मिलने में। तुषे उसे हौसला देती है ये कह के कि चाहे जो हो जाए डोगन तो तुम्हें ही इंपॉर्टेंस देता है, कितने लोग आए और गए तुम एक ही जगह ठहरी हो, कितना बोगस हौसला है। वो तो जूलिया को कल रात ही पता चल गया कि डोगन के सामने उसकी क्या हैसियत है, पर उसी बोगस हौसले को रिपीट करके खुद को स्ट्रांग बनाकर जूलिया यिल्दिज़ को कॉल करके बोलती है मिलने। यिल्दिज़ इरिटेट होकर कहती है मेरे घर आ जाओ। इधर कुंवर किसी तरह असली अकाउंट से सलीम के हॉस्पिटल को बुरे रिव्यूज़ दिलाता है और जमाल उस हॉस्पिटल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देता है। आलिया कहती है देखा मेरा भाई कितना टैलेंटेड है। हानदान कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कराना आसान है, जमाल ने किया। कुंवर कहते हैं आप लोग अम्मी हो क्या जो अपने बच्चों के मार्क्स को लेकर लड़ाई कर रहे हो। एनीवेज आलिया कहती है मेरा एक प्रोग्राम है आज जहाँ गेस्ट्स में कौन आने वाला है पता है, सेविम आबिजोगलू यानी सलीम की अम्मी। हानदान कहती है उसे सबक सिखाने की तैयारी करो। एंगिन आता है और आलिया कहती है कि मैं अभी जाती हूँ तलाक लेने। एंगिन पूछता है तुम ठीक हो आलिया, तब आलिया को याद आती है कि वो तो बीमार है, तो सर पे हाथ रख के कहती है ठीक ठाक हूँ बोल के चली जाती है। कोमल बहुत सैड है, उसका डैड उसको लेके टेंशन में रहता है तो कहते हैं जूलिया से मिल लो, मेरी दोस्त है एक्सपीरियंस्ड है। कोमल कहती है हाँ मैंने उसका नाम सुना है पर मुझे नहीं जाना। कोमल वहाँ जाती तो जूलिया अपने एक्सपीरियंस से उसे फिर से किसी शादीशुदा आदमी की माशूका बनने की ट्रेनिंग दे देती। कुंवर कोमल के पास आता है तो कोमल कल वाली बातें करते हुए पूछती है कि तुमसे क्या बात हुई सलीम की। कुंवर कहते हैं सलीम ने कहा कि ज़ैनब ने उसकी काफ़ी मदद की। कोमल पूछती है क्या क्या, कौन ज़ैनब। कुंवर कहता है वही यिल्दिज़ की बहन, वो लोग दोस्त है और ज़ैनब ने उसकी बातें सुनी और मशवरा दी। कोमल कहती है अच्छा ऐसी बात है। कुंवर कहता है वो लोग दोस्त है, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। कोमल कहती है मुझसे ये बात छुपाई गई, ज़ैनब उसको लाइक करती है। कुंवर कहते हैं ऐसा नहीं है वरना पता चल जाता मुझे। कोमल कहती है ज़ैनब कहाँ है। कुंवर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोमल चली जाती है। कुंवर अच्छा बनने का नाटक अच्छा कर लेता है। जूलिया यिल्दिज़ के पास आकर कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि डोगन और मैं दोस्त है, वो कभी मुझे नहीं छोड़ सकता, हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। यिल्दिज़ कहती है और कभी कभार एक साथ सो भी जाते होगे। जूलिया शॉक। यिल्दिज़ कहती है मैं इस घटिया दोस्ती को कोई सहमति नहीं देती, अगर कुछ और कहना नहीं है तो जा सकती हो। जूलिया कहती है तुमने कोई मौका नहीं छोड़ा मेरे लिए तो मैं चली जाती हूँ। यिल्दिज़ कहती है मैं छोड़ूंगी भी नहीं। जूलिया कहती है तुम मुझे और डोगन को अलग नहीं कर सकती, बात बिठा लो दिमाग में। यिल्दिज़ कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है। जूलिया चली जाती है तो यिल्दिज़ कहती है
इस बात को यूं ही नहीं जाने दूंगी। इधर डोगन और आलिया तलाक ले लेते हैं। आलिया कहती है, आखिर में मुझे कुछ नहीं मिला। डोगन कहते हैं, मैंने कहा था ना कि पंगा मत लो मुझसे, लेकिन हाँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे हेल्प मांग सकती हो। आलिया कहती है, अगर प्रॉब्लम तुम्हें हो तो। डोगन हंसते हुए चला जाता है। कोमल पहुंच जाती है जैनब के पास, जो आमिर के साथ जॉगिंग कर रही थी। आमिर कहते हैं, कोमल तुम्हारा सुन के दुख हुआ। जैनब कहती है, मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ। कोमल कहती है, तुम्हें क्यों हुआ, तुम्हारे साथ तो वो छुप छुप के मिलता था। जैनब कहती है, बिल्कुल नहीं, हम ओपनली मिलते थे। कोमल कहती है, तुम्हें उससे सब कहा है ना, बताओ क्या क्या कहा। जैनब कहती है, झूठ तुम बोलती हो और ब्लेम करने मेरे पास आ गई। कोमल कहती है, पहले मेरे मामा जी से शादी की, उससे पेट नहीं भरा तो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ गई। जैनब कहती है, अपना इलाज कराओ जाके, अगर टाइम पे सच बोलती तो आज वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहता। कोमल उस पर हमला करने चली जाती है, कहती है, मुझे सिखाती हो तुम, ये लोग रोकते हैं। कोमल कहती है, पहले तुम्हारी बहन नाक घुसेड़ा करती थी, अब तुमने शुरू कर दी। जैनब कहती है, तुम्हें हिसाब दूं मैं हर चीज़ का, हाँ पागल हो क्या। आमिर उसे संभालते हुए ले जाता है वहाँ से। कुंवर कोमल को संभालता है तो कोमल कहती है, इसे सलीम पसंद है पक्का। कुंवर कहते हैं, भाड़ में जाए सलीम, जाने दो उसे। इधर सलीम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट नहीं आया है और गुस्सा हो जाता है। इधर जैनब आती है घर और यिल्दिज़ को बताती है कोमल का। यिल्दिज़ कहती है, उसको अभी मैं टुकड़े टुकड़े करके आती हूँ। आमिर उसे रोकता है। आलिया सलीम की अम्मी सेविम से जानबूझ के टकराती है और कहती है, आपसे पहले मिल चुकी हूँ फलाने जगह पे। सेविम कहती है, हाँ मैं साइकेट्रिस्ट हूँ तो मिले होंगे हम लोग। आलिया कहती है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, आप अपना नंबर देंगी। सेविम नंबर देती है। जूलिया डोगन के पास आकर कहती है, मैंने वही किया जो तुमने कहा। यिल्दिज़ को बताया कि जलने की ज़रूरत है ही नहीं, पर उल्टा उसने मुझे जलील कर दिया, वो मानना ही नहीं चाहती। इससे अच्छा वो मुझे घर से निकाल देती। वो जानबूझ के कर रही है ये सब, तुम्हें नचा रही है अपने उंगलियों पे। उससे पीछा छुड़ा लो और प्लीज़ मुझे और कुछ करने मत कहना। फिर कहती है, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। डोगन उसे गले लगा कर कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो। इधर यिल्दिज़ के लिए जो स्कूल ढूंढा था उसमें एक नैनी की ज़रूरत थी यिल्दिज़ को, जो दूसरी ज़बान जानती हो, इसलिए उसने सादिक को स्कॉटलैंड से आया हुआ नैनी बना दिया, जिसका नाम यिल्दिज़ ने रखा है विलियम वालेस। कुछ सूझा नहीं तो किसी हॉलीवुड कैरेक्टर का नाम रख दिया। आसमान ने कहा भी था कि स्कॉटलैंड का बनने के लिए बस दाढ़ी लाल कर दो तो वहीं का लगेगा, और इन्होंने सच में कर दिया। इनफैक्ट सादिक ने सुरमा भी लगाया है। वो लोग आते हैं नाटक करते हुए। सादिक ओवर एक्टिंग करना शुरू करता है, कहता है, यू गो आई गो। यिल्दिज़ कहती है, शट अप। फिर सादिक को अंदर भेजते हैं और वो वहाँ भी कुछ सीखा हुआ स्कॉटिश बोलता है। वहाँ सब औरतें हैं इसलिए उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। एक बच्चा सू को डायनासोर से डराने की कोशिश करता है तो सादिक उससे वो खिलौना छीन लेता है। एक नैनी देखकर कहती है, एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज़ वेरी अनपोलाइट। इम्पोलाइट होता है वैसे, पर इंग्लिश इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो नैनी समझ जाती है कि सादिक नाटक कर रहा है और कह देती है सबको। सादिक भी टर्किश बोल देता है। यिल्दिज़ घुसकर कहती है, आपका स्कूल अच्छा नहीं है, बोल के सादिक और सू को लेके चली जाती है। आलिया हंदन को बताती है कि उसने सेविम को पटा लिया है, अब जमाल और कुंवर को उसके पास एज पेशेंट्स भेजना है, बाकी वो लोग संभाल लेंगे। हम उसके नाम से ये फैलाएंगे कि वो अपने पेशेंट्स की बातों को राज नहीं रखती, या फिर ये कि वो अपने पेशेंट्स का पीछा करती है। हंदन इस आइडिया से इतनी खुश है कि वो आलिया को हमेशा के लिए इस घर पर रहने का परमिशन दे देती है। आलिया भी लाइक जमाल आज दो वर्कर्स लेके जाएगा सलीम के हॉस्पिटल में, ताकि उसके महंगे डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सके। आए दिन आकर सलीम को दिखाता है उनके हॉस्पिटल के खिलाफ कमेंट्स। हालांकि यूजर्स अननोन है, ऊपर से हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं आया है, ये लोग परेशान है। आए दिन कहते हैं, शायद कोई पुराना वर्कर बदला ले रहा होगा। सलीम कल तक का वेट करेगा, फिर पता करेगा। यिल्दिज़ के साथ सादिक ऐसे हुलिये में बात करते हैं। डोगन देखकर पूछता है, ये क्या है। फिर कहते हैं, रहने दो, मुझे सुनना ही नहीं है, यानी कुछ बकवास होगा अगेन, इसलिए पहले ही चुप करवा दिया। डोगन कहते हैं, आलिया को तलाक दे दिया। यिल्दिज़ कहती है, तो जूलिया तो अब भी है ना। फिर दोनों में बहस होती है। यिल्दिज़ कहती है, मैं अब इसमें नहीं हूँ, तुम जूलिया के साथ रहो, मुझे बख्श दो। डोगन कहता है, यही आखिरी बात है तुम्हारी। यिल्दिज़ कहती है, हाँ। डोगन कहते हैं, ठीक है, बोल के चला जाते हैं। यिल्दिज़ आलिया को चाटने के लिए कॉल करती है, कहती है, सुना है तलाक हो गया, डोगन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी तुमने खामखा मेरे खिलाफ उससे शादी कर ली। आलिया भी लाइक, यिल्दिज़ यिल्दिज़ हम दोनों में बहुत फ़र्क है, तुम कहाँ मैं कहाँ। यिल्दिज़ कहती है, मैं घर पे। आलिया कहती है, तुम घर संभालो, मेरा तो डायमंड का बिजनेस है और हिस्सा भी है कंपनी में। यिल्दिज़ कहती है, वो तो मेरा भी हिस्सा है कंपनी में। आलिया फिर ऐवे ही कुछ बोल के बहस जीतने का नाटक करके कॉल काट देती है। कोमल को हंदन और एंगिन हौसला देते हैं। कोमल पूछती है, जैनब आपकी बीवी होने के बाद भी सलीम को डेट कर रही थी, आपको पता है। एंगिन कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोमल कहती है, उसने सबको बेवकूफ़ बनाया, वो सलीम को चाहती है। हंदन कहती है, हाँ याद आया। फिर वो याद करती है जब जैनब ने उसे कहा था कि सलीम नाम के डॉक्टर के साथ वो कहीं जा रही है। कोमल कहती है, अच्छा तो ऐसे मिले थे दोनों, सलीम कहा करता था एक लड़की के बारे में। एंगिन कहते हैं, अगर वो लोग साथ होते तो सलीम क्यों बोलता था तुम्हें उसके बारे में। कोमल कहती है, नहीं सलीम अभी अपसेट है, जैनब उसका फ़ायदा उठाएगी। हंदन कहती है, मैं साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी। डोगन यिल्दिज़ के पास आकर कहते हैं, तुम सही हो, मैं जूलिया को छोड़ दूंगा।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो कहोगे वो करूँगा। यिल्दिज़ पूछती है कैसे यकीन करूँ। डोगन जूलिया को उसके सामने कॉल करके कहता है, जूलिया मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूँगा, यिल्दिज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, थैंक यू तुम्हारे साथ के लिए, बोल के कॉल काट देता है। जूलिया की हंसी रुक जाती है, फिर यिल्दिज़ खुश होती है। डोगन कहता है प्यार करता हूँ तुमसे, इंपॉर्टेंट हो वगैरह। इधर जूलिया किसी को कॉल करके कहती है मुझे तुमसे मिलना है। जब वो मिलने जाती है तो हम देखते हैं सलीम ने दरवाज़ा खोला। ओके दिन वीडियो ख़त्म।